नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पीवीआर स्टडी में। मैं राजकुमार, आपकी क्लास नाइन्थ की मैथमेटिक्स के साथ। बच्चों, जो भी अब की बार यानी कि ये कोरोना बैच में बिना परीक्षा के कक्षा आठ में पास हो गए हैं और कक्षा नौ में आए हैं, उनके तो मालिक काली माई, क्या होगा उनका? सोच रहे हो कि नहीं, जानते हो कि नहीं होगा अच्छा, लेकिन उनको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। जो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि हम तो बिना परीक्षा के पास हो गए, तीर मार लिए हैं, कक्षा नौ में ना कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। और कोरोना दादा चले गए ना, इनकी कृपा खत्म हो गई ना, तो अगली साल तुम फेल हो जाओगे नाइन में। तो इसलिए क्या करो, अभी टाइम है, अभी अभी टाइम है, क्योंकि कक्षा आठ में पास हुए हो, नौ में आप पढ़ो ईमानदारी से, प्यार से। मैं शुरू से पढ़ा रहा हूँ लाइव यूट्यूब पर, बिल्कुल फ्री, शाम को 7 बजे से रात के 8 बजे तक, हर दिन। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब करके रखो और पढ़ो। तो क्या है पहला चैप्टर, यहाँ से देखते हैं। संख्या पद्धति चल रहा है, इसके पहले 4 क्लास हम लोगों ने पढ़ लिया है, आज 5वीं क्लास पढ़ना है। 5वीं क्लास में हम 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। एनसीईआरटी बुक है, सभी बच्चों के लिए, सभी बोर्ड के लिए मान्य है। अगर आपका सीबीएसई बोर्ड है तब भी आप देखोगे क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा है, बाकी है यही, कुछ और अलग नहीं है। 0.99999 को पी अपान क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। और कह रहा कि आपने उत्तर से आप आश्चर्यचकित हैं, ये बताना है। तो बच्चा देखो, यहाँ पे समझो, सबसे पहले तो हम इसे पी अपान क्यू के रूप में व्यक्त करेंगे। क्वेश्चन जो भी हमें दिया है, देखो क्या दिया है, 0.99999 ये दिया है ना, इसे पी अपान क्यू के रूप में व्यक्त करना है। हम सभी जानते हैं इसकी क्या खासियत है, कितना अच्छा है, कितना दुष्ट है ये, क्योंकि पहले पढ़ाया हूँ ना। तो भैया इसको तुम ऐसे भी तो लिख सकते हो, 0.99 के ऊपर बार। सभी बच्चे बोलो यस, लिख सकते हो कि नहीं, जल्दी बताओ, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? नितिन कुमार बेटा पढ़ लो, नहीं बहुत लात मारेंगे हम, जान लो भाग जाओगे यहाँ से। पढ़ लो चुपचाप, शांति से पढ़ लो, देखो यहाँ पे समझो, पढ़ लो चुपचाप पढ़ लो। देखो इसको क्या करना है, अब इसे हमें पी अपान क्यू के फॉर्म में व्यक्त करना है। 1.3 में आप पढ़े थे ना, इसके पहले पढ़े थे, मैंने आपको पूरा तरीका बताया था ना। आप क्या करोगे, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे लेट, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे माना यक्स बराबर क्या भाई, चाहे तो इसको रख दो चाहे इसको रख दो। तो हम इसी को रख देते हैं, ओरिजिनल वाला 0.99999 .. ये समीकरण एक, कितना हो गया समीकरण एक ना, समझ रहे हो कि नहीं हमारी बात। इसको आप यक्स के बराबर मान सकते हो। उसके बाद क्या करोगे, समीकरण एक में ये सब मैं तरीका बताया हूँ पहले एक्सरसाइज में, आप पढ़े हो। समीकरण एक में दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे, जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं या अदर राज्य वाले हैं, मल्टीप्लाइंग बाय 10 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बस इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखोगे, उसका मतलब ही है कि दोनों तरफ करना है, एक तरफ तो करना नहीं है। तो ऐसी स्थिति में बच्चा ये हो जाएगा आपका 10x बराबर 9.99999 .. और ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, इतना तो तुम समझ गए ना, इसमें तो कोई हैरानी नहीं है ना। हाँ, लाइव सॉन्ग समझ में आ रहा बच्चा, गजेंद्र ओझा, मोहम्मद आजाद। चलो देखो, इतना समझ में आया, इतना आया तो छाप लो, फटाफट छाप लो, मैं इसको मिटाऊंगा। आप चलो बता देना, लिख लेना, तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं सामने से हट गया हूँ, तुरंत स्क्रीनशॉट ले लो, मैं सामने से हट गया हूँ, हो गया। स्मृति विद्यार्थी हो गया, चलो तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा जगह नहीं कि मैं यहाँ पर उसी में लिपता रहूँगा, बहुत कम जगह है। अब आगे लिखो, देखो लिखते चलो साथ में, कॉपी पेन लेके बैठो, यहाँ पे प्रसाद नहीं मिलने वाला है, कथा हो रही, लास्ट में शंख बजेगी तो मिलेगा नहीं, यहाँ पे जो मिल रहा है वो तुरंत मिल रहा है, बाद में ना मिलेगा कुछ। अब समीकरण आप लिखो यहाँ पे, समीकरण 2 - समीकरण 1,
मतलब कि इक्वेशन नंबर सेकंड से इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमें सबट्रैक्ट कर लेना है, घटा लेना है। तो बच्चों जो दूसरा आया था वो आया था 10x बराबर 9.99999 डॉट डॉट डॉट, ये सेकंड है। पहला इक्वेशन था x इक्वल 0.99, बोलो यही था ना, इनको आप सबट्रैक्ट कर लो भाई। 10x से 1x घटाओगे 9x आएगा, बराबर देखो ये 9 आएगा, 9.0 आएगा। क्यों भाई, लिख लो 0 0 ना, तुम ऐसे घटा लो सब 9 9 है तो 0 0 हो ही जाएगा, हो जाएगा ना। अब समझो तो यहाँ से x बराबर लिखेंगे 9/9, फाइनल में आएगा 1। तो x का मान कितना आएगा, कोई बताए एनीवन, बोलो x का मान कितना आएगा। चलो इसको थोड़ा अलग कर देता हूँ, ये लो, ये कट जाएगा तो 1 आएगा ना, यानी x का मान क्या आया, 1 आया। ये तो हो गया पी अपान क्यू के रूप में हो गया, इतना ही इसको लिखना था, 1/1 करके बराबर पी अपान क्यू कर सकते हो। इसमें एक और क्वेश्चन था, क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं, सरप्राइज हुए आप कुछ की नहीं, इसमें का कुछ नया है जो सरप्राइज होगा या आश्चर्यचकित होगा, कोई कुछ नया नहीं है। देखो मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या है, इसमें कोई आश्चर्यचकित वाली बात नहीं, इसका पहले कॉन्सेप्ट समझ लो आप सभी, तब मजा आएगा बच्चा। देखो कॉन्सेप्ट समझो इसका, देखो एक चीज मैं आपको बताया था, नहीं फिर बता दूं, अगर 0.3 है, 3 के ऊपर बार है ना, तो आप इसे लिखे थे बच्चा 3/9। अगर 0.6 है, 6 के ऊपर बार है, तो हम इसे लिख सकते हैं 6/9। हाँ, अगर 0.7 है, 7 के ऊपर बार है, तो हम लिख सकते हैं 7/9। तो इसी क्रम में भैया हो, 0.9 था, 9 के ऊपर बार था, तो इसे हम लिखे 9/9, ये कट गया तो 1 आ गया, इसमें कोई नया नहीं हुआ है, समझ गए ना, इसमें कोई सरप्राइज नहीं है, सब पुराना ही है, ये चीज़ आप याद रखना। हाँ एक चीज़ और समझ लो, अगर इसमें दो गिनती के ऊपर बार है, तो भैया उधर 99 लिखोगे नीचे, ये ट्रिक है, जो कंपटीशन की परीक्षा देते हैं उनको ये सिखाई जाती है, ये ट्रिक है, समझ गए ना। जितने बच्चे जुड़े हैं सभी क्लास को लाइक करें, अगर यूट्यूब पे फ्री पढ़ना है, ये आपकी जिम्मेदारी है, नहीं तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं, याद रखना ठीक है, क्योंकि रिक्वेस्ट करने से कुछ होता है नहीं। जितने भी आपके दोस्त हैं, सहेली सहेला हैं, जो भी हैं, सबको शेयर करो क्लास, सबको लेके आओ, यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री पढ़ाएंगे। आपकी साइंस की और इंग्लिश की क्लास भी हम बहुत जल्दी शुरू कर देंगे, सारा विषय पढ़ाया जाएगा कक्षा 9 के लिए, लेकिन तुम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जोड़ो, 200 300 400 500 1000 बच्चे, जितने बच्चे जुड़ेंगे उतनी बड़ी क्लास चलेगी। कई बार रिवाइज करवा देंगे, 9th कर मजबूत कर लिए ना, बोर्ड में 100% टॉप करोगे कक्षा 10 में, क्योंकि न्यू कक्षा 9 से ही पढ़ती है, और कक्षा 9 में जो लत्ताई कर लिए ना, कक्षा 10 में फिर कुछ नहीं होंगे, गोबरे भरेंगे बस, समझ लो। इसलिए कक्षा 9 में अच्छे से पढ़ लो। पुष्पलता समझ में आ रहा है, मनोज सिंह, तो ये मिटा दो, अब हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो भैया। अगला क्वेश्चन देखो, सभी बच्चे ये बताओ क्या आप किताब लिए हो, हाँ बोलो हाँ या नहीं, अभी किताब लिए हो ना, हाँ सभी बुक लिए हो, चलो तो अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। सभी बच्चे बताओ हाँ किताब लिए हो, और क्वेश्चन पढ़ो तुरंत, किताब लिए हो तो क्वेश्चन पढ़ो, देर नहीं, फटाफट जितनी बार क्वेश्चन पढ़ोगे उतना अच्छा से समझ में आएगा। कोई भी गणित का क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा है, आप उसे 4-5 बार पढ़ो, देखो उसमें से आधी चीज़ें आ जाएंगी। ये सबसे बड़ी इसकी खासियत होती है मैथमेटिक्स की, कि आपको क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए। देखो कुछ तो बोल रहे हैं, किताब नहीं लिए, काहे नहीं लिए हो, हाँ रोहन, प्रतिमा विश्वकर्मा, काजल कुमारी, और भाई काजल रघवानी भी आ गई, क्यों यही नाम तो था, भोजपुरी में कोई है सिंगर ऐसा। देखो इतना ज़्यादा लाइट रहती ना, आँख गड़ती है, मतलब चमक टाइप का रहता है थोड़ा सा ना, एक